मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बेहतर व्यवस्था के तहत देश में और देश के 45 साल की उम्र तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रारंभ किया और आज मैं कह सकता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम आज हिंदुस्तान में चल रहा है और उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और अब 45 साल से छोड़कर 18 साल की उम्र तक के लोगों के लिए वैक्सीन के कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो रही है, पूरे देश में हो रही है, उनको मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा। कुछ प्रश्न अभी उछाले जा रहे हैं। राहुल गांधी का प्रश्न बार बार ये आता है कि क्या प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अरे भाई, वैक्सीन बनाने का काम हिंदुस्तान में पिछले 40 साल से प्राइवेट सेक्टर के लोग ही कर रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता हम छत्तीसगढ़ के हिंदुस्तान के लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। और इसके लिए गर्व होता है हमको कि कोविड के लिए भी जब बात हो रही थी तो सबसे बेहतर और सबसे सस्ता वैक्सीन बनाने का काम प्राइवेट सेक्टर ने किया और आज दुनिया के 40 देशों में यहाँ के वैक्सीन जा रहा है। इसमें भी प्रश्न हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग प्रोत्साहित किया जा रही है, R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं और देश के लिए काम करते हैं, तो उनको तो बधाई देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। बार बार ये प्रश्न प्रियंका जी भी सवाल पूछ रही हैं, बार बार ये सवाल आ रहा है कि सरकारें प्रधानमंत्री जी ऑक्सीजन देने में असफल रहे, मजदूरों के लिए असफल रहे। ऑक्सीजन देश का सबसे ज़्यादा निर्माण निश्चित रूप से हिंदुस्तान में होता है। जहाँ जहाँ राज्य सरकारें असफल हुई हैं उनको अपने मुख्यमंत्री को तो बोलना चाहिए कि आज भूपेश बघेल को एक भिलाई स्टील प्लांट, दुनिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑक्सीजन का प्लांट जिसके पास है, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के मरीज बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, ये व्यवस्था की चूक है। और इसका कारण है कि मुख्यमंत्री एक दिशा में चल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री एक दिशा में चल रहे हैं, दोनों मीटिंग में एक साथ बैठ नहीं सकते। आश्चर्य की बात है कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाती है और सर्वदलीय बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनुपस्थित रहते हैं, तो फिर कहाँ की स्वास्थ्य की कार्य योजना और किस प्रकार की कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा, इस बात को समझाने का काम तो प्रियंका जी को करना चाहिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, कि यहाँ वेंटिलेटर आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेंटिलेटर दिया है, उसको ऑपरेट करने वाले नहीं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मैं नाम बता सकता हूँ जहाँ 10-10, 12-12 वेंटिलेटर हैं मगर आज तक उसको खोला नहीं गया, दिखाया जाता है कि वेंटिलेटर है। बेमेतरा का एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि आज तक वेंटिलेटर का उपयोग नहीं हुआ। राजा मेडिकल कॉलेज में 10 वेंटिलेटर अभी आए, आज उसको ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियन की कमी है। ये सरकार की असफलता और ये सरकार जहाँ पे ऑक्सीजन का इतना बहुतायत है वहाँ बिना ऑक्सीजन लगे लोगों की मौत होना, ये प्रश्न चिन्ह लगाता है सरकार के काम के लिए। और आज जो आंकड़े आ रहे हैं, 181 मौत एक दिन में, 15,000 नए केस, और इसमें छत्तीसगढ़ में अब तक 6,274 मौत हो चुकी है। हालत यह है कि शमशान घाट खाली नहीं है, लोगों को आज रेमडेसिविर के लिए किस प्रकार हालत ख़राब है, लोग अनाप शनाप 4-5 गुना कीमत में देने को तैयार हैं। यदि हमारे पास पैसे हैं, 400 करोड़ से ऊपर का DMF का है, 400 से ऊपर करोड़ सेस का पैसा रखा है, DMF का है, तो क्या हम ये व्यवस्था गरीबों के लिए रेमडेसिविर, पैसा वाला आदमी तो ब्लैक में 30,000 में दवाई खरीद रहा है रेमडेसिविर का, और गरीब आदमी इसके बिना उसकी मौत होती, तो क्या सरकार इस व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं करे। 20,000 आज आने वाला है, कल से बोल रहे हैं, 3 दिन से बोल रहे हैं, उस 20,000 में गरीब मरीजों के लिए हम रेमडेसिविर का इंजेक्शन की व्यवस्था करेंगे, इस बात की घोषणा क्यों नहीं होती। इस बात के लिए आज मैं उनको एक बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि वैक्सीन के लिए उन्होंने कहा है, मगर ये बजट सत्र में उन्होंने विधानसभा के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण में कहा था कि हम वैक्सीन लगाएंगे, सरकार हमको अनुमति दे, अनुमति दे दिया, लगा रहे हैं, अच्छी बात है, मगर ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर सारी प्राथमिक आवश्यकताएँ जो नहीं मिल रही हैं, 4 दिन से टेस्ट बंद हो चुका है। आंकड़े कम क्यों आ रहे हैं, मैं राजनांदगांव का एक एक ज़िले का हाल जानता हूँ, राजनांदगांव पूरे ज़िले का 4 दिन से कहीं भी टेस्ट किट नहीं पहुँचा है, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है।
यदि आप ऐसे ही आंकड़े कम करना चाहते हैं, ये सरकार की इससे बड़ी असफलता क्या होगी कि टेस्ट किट नहीं है, जांच नहीं हो रहे हैं और आंकड़े कम कर रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इन आंकड़ों को सरकार को गंभीरतापूर्वक, स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, उसका क्रियान्वयन करें। ये हमारा आज विषय ये था कि आज इस विषय को लेकर प्रदेश में चिंता है, और आप कुछ पूछना चाहें तो